करनाल के होटल ज्वेल्स में विभिन्न शहरों में अपना हॉस्पिटल चलाने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसको मुख्य रूप से रागिनी अग्रवाल द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा अभिलाषा उड़ान और मुक्ति नाम से एक NGO का गठन किया जा रहा है, जिसका राज्य स्तरीय सम्मेलन 14 जुलाई को करनाल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इस NGO के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सरकार भ्रूण हत्या की रोकथाम का प्रयास तो कर रही है, परंतु आज के इस दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटे को समझाओ कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लिंग जांच के लिए सिर्फ डॉक्टर ही दोषी नहीं होते, जबकि महिला को हॉस्पिटल में लाने वाले अभिभावक इस मामले में शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ डॉक्टर को ही दोषी माना जाता है। इसलिए NGO द्वारा विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए वह अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर ज्योति गुप्ता, ज्योति मलिक, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर मधु प्रवेश गाबा भी मौजूद रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, और ये हमें बताएंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस लिए बुलाई। देखिए, ऐसा है कि 29 जुलाई 2018 में हमारे प्रांत की सारी गायनाकोलॉजिस्ट ने आपस में ये बात करके ये समझा कि जो एक मिसट्रस्ट का एटमॉस्फेयर तैयार होता जा रहा है गवर्नमेंट सोसाइटी के और डॉक्टर्स के बीच में, इसके लिए कहीं ना कहीं तो किसी को पहल करनी पड़ेगी। और ये कहना कि सारे डॉक्टर लुटेरे हैं, सारे डॉक्टर चोर हैं, इससे कोई गलत बात नहीं हो सकती है। आज डॉक्टर नहीं होंगे तो कभी आपने सोचा है सोसाइटी को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हमें तो ज़रूरत नहीं है। एज ए डॉक्टर तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ ना। मैं इसको बंद कर दूँगी अपनी डॉक्टरी की दुकान, मैं कपड़े की दुकान खोल लेंगी, लेकिन बीमार होने के बाद तो आपको हॉस्पिटल में ही जाना है। तो आप 100% डॉक्टर्स के लिए मैं नहीं कहती हूँ, 10-20% ब्लैक शीप हर प्रोफेशन में हैं, लेकिन 80% लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हम उन 80% लोगों की आवाज़ को बाहर लाना चाहते हैं, सोसाइटी में जाके सोसाइटी की आंख पे जो एक पट्टी बांध दी गई है कि डॉक्टर तो गलत ही करता है, उसको हम हटाना चाहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का एक ही एम है जिसमें हम आप पत्रकार भाइयों को आपकी निगेटिव पत्रकारिता से हटा करके हमारे को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हम समाज में जा कर के समाज में काम कर सकें और उनको बता सकें कि किस ढंग से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा करिए और हम आपके साथ हैं। इसके लिए हम 3 पंचवर्षीय योजना भी लेकर के आए हैं। एक का नाम है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है डिज़ायर। तो हमारी डिज़ायर क्या है कि हमारी औरतें स्वस्थ रहें, प्रसव में उनकी डेथ ना हो, उनको बीमारियाँ नहीं हों, तो उसके लिए हम काम करेंगे। दूसरी चीज़ क्या, आपका अगर मजबूत सीड है तभी तो फल अच्छा बनेगा। तो एडोलसेंट हेल्थ के लिए हम उड़ान प्रोजेक्ट के अंडर में काम करेंगे, लड़कियों को और ना ही लड़कियों को लड़कों को भी समझाएंगे कि स्वस्थ समाज कैसे बनाया जाए। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम हमारा मुक्ति है, जिसमें कि हम प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, वुमेन कैंसर, उसके बारे में एजुकेशन देंगे, सेफ सेक्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना भी सिखाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है अगर नारी स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है और स्वस्थ समाज ही खुशी की निशानी है। एक हरियाणा एक भाषा, इसके ऊपर हम सब 22 जिलों की गायनेकोलॉजिस्ट ने हाथ एक दूसरे का हाथ थाम करके हम हरियाणा को देश के ही नहीं विश्व के एक मैप पे ले जाना चाहते हैं। एक स्वस्थ हरियाणा सबको लाइट दिखाएगा। तो मैम, आप औरतों गाँव में जैसे जो औरतें रहती हैं उन तक अपना संदेश कैसे पहुँचाएंगे? इसीलिए तो आपका साथ चाहिए, आपसे इसीलिए तो बात कर रहे हैं। आप ले चलिए, हम चलने को तैयार हैं, क्योंकि आप तो हर जगह पहुंचे हुए हो। जिस दिन आप हमारा साथ दे दोगे, देश तो हम ऐसे ही बदल देंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनम। मैम, क्या पर्पज है आपके ये तीन प्रोजेक्ट्स का जो भी डॉक्टर रागिनी ने बताया? बेसिकली पहला सुख निरोगी काया, तो लेडीज़ की हेल्थ के लिए लेडी डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पेशेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट बनने से पहले उनका इलाज हो जाए, यही हमारा एम है, ताकि जो लेडीज़ हैं उनको अगर हम सुविधाएं उनको अवेयर कराएंगे, उनको बताएंगे कि ये सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो वो इलाज करवाएंगे टाइम से, इससे पहले कि बीमारी इस लेवल पर बढ़ जाए कि उसका इलाज ना हो सके। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति मलिक। मैम, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये 14 जुलाई को हम एक महासम्मेलन कर रहे हैं, हरियाणा एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट।
तो इसमें हम पूरे हरियाणा से सारे ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि लगभग 300 डॉक्टर्स हमारे उस कॉन्फ्रेंस में होंगे और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हरियाणा के डॉक्टर्स को एकजुट करना, एक गुट करना और सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना और हमारी सबकी सोच एक हो, हमारा ट्रीटमेंट सेम हो और हमारा मेलजोल बढ़े, हम एक दूसरे को जानें। तो मेन मकसद हमारी इस हरियाणा एसोसिएशन का ये है और इसके साथ साथ हम अपने आप को भी एकेडमिकली साउंड करना चाहते हैं। हमारी एक वेबसाइट रहेगी जिसपे हम लेटेस्ट सब हरियाणा के सारे मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स को भी हमने इस उसमें इन्वॉल्व किया है ताकि वो सारी अपनी लेटेस्ट चीज़ें अपडेट करते रहें और जो हम कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जा सकते, अटेंड नहीं कर सकते या जो कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ बड़े शहरों में होती हैं उस नॉलेज को हम हर लोकल प्रैक्टिशनर तक लेके आए ताकि हम वो एक अच्छा इलाज कर सके। अच्छा इलाज होगा तो हमारी मॉर्टेलिटी कम होगी, मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी ये दोनों हमारी कम करना चाहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्योति गुप्ता। मैम क्या बताना चाहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, तो ये जो एसोसिएशन बना रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन सब की सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम तरह के पेशेंट्स से हम लोग डील करते हैं, सेम तरह के जो पेशेंट्स की क्या हालात में वो हमारे पास आते हैं वो इश्यूज़ हमारे कॉमन हैं, तो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज भी सेम होनी चाहिए। तो हमने एक चीज़ ये बड़ी अच्छी प्लान करी है कि कई बार ये कहते हैं ना कि पेशेंट इन्होंने ठीक इलाज नहीं करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि हर बीमारी की कुछ गाइडलाइंस बन जाए, तो उन गाइडलाइंस में लिखा होगा इस स्टेज में ऐसे करना है, उस स्टेज में ऐसे करना है और अगर उसको हर डॉक्टर फॉलो कर लेता है ठीक तरह तो इसका मतलब वो सही इलाज कर रहा है और अगर सही इलाज कर रहा है तो कोई किसी को ब्लेम करना बनता भी नहीं है। कई बार होता है गलत भी ब्लेम करते हैं, कई बार ठीक भी ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक कॉमन गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो करें। अगर कोई एक डॉक्टर कहता है मैंने तो ये ठीक समझा, मैंने ये करा, दूसरा कहता है मैंने ये करा, लेकिन कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना, तो वो गाइडलाइंस बन जाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, आपने ये करा तो आपने बिल्कुल ठीक करा था। तो एक तो ये है, बाकी कई बार हमारे को और दिक्कतें आने लग जाती हैं, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने आपस में ही डिस्कस करना होता है कि इसको कैसे मैनेज करें, तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने बताया कि बहुत सी चीज़ें जो हम बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में सीख के जाते हैं, आते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, नेशनल लेवल पर भी होती हैं, वो छोटे छोटे शहरों में कई बार नहीं पहुँच पाती हैं बातें, लेटेस्ट चीज़ें क्या है, तो उसको भी हम वहाँ तक लाना चाहते हैं। और ऑफकोर्स पब्लिक के लिए तो काम करना ही है, उसके लिए हमने तीन उसकी सब कमिटीज़ बनाई हैं, मुक्ति, उड़ान, अभिलाषा, तो उसमें हर चीज़ उससे जो रिलेटेड है उसको हम पब्लिक एजुकेशन में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारा मुद्दा है इसको बनाने का, करने का।